हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह आप सबके लिए बहुत ही लेटेस्ट और ट्रेंडिंग थालपोश का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। चलिए इसको अब यहाँ हम भाई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो फिंगर्स पे ऐसे नोट लगाएंगे और पीछे वाले धागे को आगे लेकर आएंगे। इसी तरह यहाँ पर हमारी नोट लग चुकी है। अब यहाँ पर हम फंदे लेंगे, बिल्कुल लंबे लंबे फंदे ले लेंगे, चार बार, दो तीन चार। चार फंदे लेने के बाद इन सब का एक करेंगे वन सिंगल क्रोशिया, वन चेन और टू चेन। टू चेन बनाएंगे, फिर सेम ऐसा ही एक और पफ स्टिच बना लेंगे। तो टोटल यहाँ पे हम एट पफ स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे चार फंदों का हमने फिर से एक किया है, तो वन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और टू चेन। धीरे धीरे नोट को टाइट करते जाएंगे और फिर से सेम ऐसे ही हम यहाँ पे एक और पफ स्टिच बना लेंगे। देखिए, चार बार हमने धागे को लिया है। ऐसे फंदे को फ्रेंड्स, ये बिल्कुल धागे को हमें लूज़ रखना है। अगर हम टाइट पकड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे फंदे हैं छोटे छोटे होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने फोर पफ स्टिच बना लिए हैं। ये फिर से वन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और टू चेन बना लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे टोटल एट पफ स्टिच हम यहाँ पे बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड राउंड बनाएंगे। तो ये भी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने एट पफ स्टिच बना लिए हैं। पीछे की नोट और पूरी तरह बंद कर देंगे और टू की चेन हमने बना ली है। अब देखिए, इसको ऐसे करके हाफ से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अब यहाँ पर देखिए, एट पफ स्टिच हमारे रेडी हो चुकी हैं। अब सेकेंड राउंड है, तो सेकेंड राउंड में हम यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ग्रीन कलर को ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे चेन के अंदर हम यहाँ पे बढ़ाएंगे वन सिंगल क्रोशिया। पहले की तरह धागे को पूरी तरह लूज रखेंगे, चार बार ले लेंगे, टू थ्री फोर। चार बार लेने के बाद इन सब का एक करेंगे वन सिंगल क्रोशिया, वन चेन। तो वन चेन एक पफ स्टिच बन गया है। एक पफ स्टिच इसके ऊपर बनाएंगे, फिर से चार बार ऐसे फंदे लेंगे, टू थ्री फोर। फोर फंदे लेने के बाद देखिए, चार हमने ऊपर लिए हैं, चार नीचे से लेंगे। तो टोटल ये ऐसे हमारे एट हो जाएंगे। ये देखिए, चार हमने नीचे से लिए है। अब इन एट फंदों का हम वन सिंगल क्रोशिया बना देंगे और टू की चेन बनाएंगे। तो एक चेन के अंदर हम यहाँ पे तीन हमने पफ स्टिच बना लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारी चेन रहेगी उसके अंदर भी सेम ऐसे ही हम तीन पफ स्टिच बना लेंगे। तो चार बार फिर से फंदे लेंगे, पहले वन सिंगल क्रोशिया, तो वन चेन। वन चेन बनाएंगे, इसी के ऊपर एक और ऐसा फंदा बना लेंगे। फिर से चार बार फंदे लेंगे, तीन चार। चार बार फंदे लेने के बाद फिर से हम धागे को आगे करेंगे हुक पे और चार फंदे हम नीचे से लेंगे। इसी तरह फ्रेंड, यहाँ पर भी हम एट फंदों का एक कर देंगे वन सिंगल क्रोशिया, टू चेन। देखिए, तीन तीन पफ स्टिच हमने एक चेन के अंदर बनाए हैं। और इसी तरह जो नेक्स्ट वाली चेन है वाइट कलर से, उसके अंदर भी सेम ऐसे ही हम तीन पफ स्टिच बना लेंगे। और इसी तरह पूरे राउंड को हम फ्रेंड यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ग्रीन कलर से हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। टू की चेन हमने बना के, देखिए यहाँ पे इसको लॉक करेंगे बिल्कुल यहाँ पे बीच में। तो अब यहाँ पे ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम फिर से वाइट कलर लेंगे, वाइट कलर को ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेंगे और फिर नीचे जो चेन है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले की तरह सेम ऐसे ही हम चार फरी फंदे लेंगे, धागे को पूरी तरह लूज़ रखेंगे। चार फंदे यहाँ पे लेंगे हम, तो इस चार फंदों का यहाँ पे वन सिंगल क्रोशिया और वन चेन। इसी के ऊपर सेम एक और ऐसा सेम फंदा लेंगे, तो यहाँ पे भी चार फंदे हम लेंगे, तीन और चार। चार फंदे हम नीचे से लेंगे, टोटल एट फंदों का हम यहाँ पे एक करेंगे। जिस तरह की हमने पहले नीचे किया था ग्रीन कलर से, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे एट फंदों का हम एक कर देंगे।
तो वन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह तीन पफ स्टिच बन चुके हैं, लेकिन इस राउंड में हमें फाइव पफ स्टिच बनाने होंगे। सेम ऐसे हमने यहाँ पे बनाया है, इसमें हमें फंदे इंक्रीज करने हैं, तो एक पफ स्टिच हम यहाँ पे एक और बनाएंगे। ऐसे चार बार फंदे लेंगे, चार फंदे यहाँ से लिए हैं, चार फंदे नीचे से लेंगे, फिर से हम यहाँ पे एट फंदों का वन सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह यहाँ पे देखिए फ्रेंड, टोटल फाइव पफ स्टिच हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। तो दो पफ स्टिच हमारे इंक्रीज हो गए हैं। इसी तरह टू की चेन बनाएंगे, और जो यहाँ पे नेक्स्ट चेन है हमारी ग्रीन कलर से, वहीं पे हम सेम ऐसे ही फाइव पफ स्टिच फिर से बना लेंगे। देखिए फिर से यहाँ पे चार हमने फंदे लिए हैं, वन सिंगल क्रोशिया वन चेन। तो इसके ऊपर सेम ऐसे ही एक और पफ स्टिच बनाएंगे, चार फंदे लेंगे, चार फंदे नीचे से लेंगे, इस तरह एट फंदों का हम यहाँ पे वन सिंगल क्रोशिया बना देंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, इसको बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए एट फंदों का हम एक कर देंगे वन सिंगल क्रोशिया वन चेन। फिर से ऐसे सेम एक पफ स्टिच ऊपर से बनाएंगे, चार फंदे ऊपर से लेंगे, तीन चार, और चार फंदे नीचे से लेंगे। इस तरह यहाँ एट फंदों का हम एक कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा फाइव पफ स्टिच बन चुके हैं। फिर से टू की चेन बनाएंगे, और जो नेक्स्ट वाली चेन है ग्रीन कलर की, वहाँ पे भी ऐसे पांच पांच पफ स्टिच हम बना लेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने वाइट कलर से राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम येलो कलर को ऐड करेंगे, येलो कलर से भी सेम ऐसे हम पांच पफ स्टिच बनाएंगे। पहले यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे वन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चार फंदे लेंगे, धागे को पूरी तरह लूज रखेंगे, टाइट नहीं पकड़ेंगे। तो तीन चार, चार वन सिंगल क्रोशिया बना देंगे, वन चेन। तो इसके ऊपर एक और ऐसे चार फंदे लेंगे, टू थ्री फोर, चार फंदे, चार फंदे नीचे से लेंगे। इसी तरह यहाँ पे एट फंदों का हम यहाँ पे वन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन, टू चेन हमने बना ली है। और सेम देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो चेन है वहाँ पर भी ऐसे हम फाइव पफ स्टिच बढ़ाएंगे, और पूरे राउंड को इसी तरह हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने येलो कलर से राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम वाइट कलर का राउंड बनाएंगे, वाइट कलर से फिर से उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने वन टू थ्री और थ्री नीचे और दो ऊपर, तो पांच पफ स्टिच बनाए थे, पांच पांच के हमने दो राउंड कंप्लीट करे हैं। तो इस राउंड में हमें फंदे इंक्रीज करेंगे, तो हम यहाँ पे इस बार सेवन पफ स्टिच जो बना लेंगे। यहाँ पे हमने पहले की तरह चार फंदे ले लेने हैं। ये देखिए चार फंदे लेंगे, पूरी तरह यहाँ पे वन सिंगल क्रोशिया वन चेन बनाएंगे। इसके ऊपर सेम ऐसे ही हम चार बार फंदे लेंगे, तीन चार, चार फंदे नीचे से लेंगे, दो तीन चार। तो यहाँ पे इन सब का एक कर देंगे। इस तरह तीन हमारे पास स्टिच हो गए हैं। तो यहाँ पे हम चार बार फंदे फिर से ऊपर से लेंगे, दो तीन चार, चार फंदे नीचे से ले लेंगे, चार फंदे नीचे से लिए हैं, फिर यहाँ पे वन सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे हो चुके हैं फाइव पफ स्टिच, तो हमें सेवन बनाने होंगे। तो ऐसे चार फंदे फिर से लेंगे, चार फंदे यहाँ से लेंगे, चार फंदे हम नीचे से लेंगे, फिर यहाँ पे एट फंदों का हम वन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
ये सब फ्रेंड यहाँ पे हमने 7 पफ स्टिच बना लिए हैं। तो जो इस पूरे राउंड में हमें 7 पफ स्टिच है और 2 चेन बनानी होगी। इसी तरह पूरे राउंड को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए 1, 4 नीचे हैं और 3 हमारे पफ स्टिच ऊपर है। यहाँ पे देखिए 3 नीचे थे, यहाँ पे हमारे 4 नीचे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे 2 राउंड हम कंप्लीट करेंगे, 1 वाइट से और 1 हम यहाँ पे रेड कलर से ऐसे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ पे वाइट कलर से लाइन जा रही है और दूसरी कलर लाइन में हम जो कलर चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखिए रेड कलर को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 1, 2, 3 बनाए हैं, तो यहाँ पे नीचे 1, 2, 3 बना लिए हैं। ये दोनों सेम हैं, इस तरह यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 हैं। तो अब ये जो कलर हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं रेड कलर, उसके भी यहाँ से हम नीचे से 4 ऊपर से 3 टोटल 7 पफ स्टिच बना लेंगे। तो यहाँ पे हम रेड कलर को ऐड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है और पहले की तरह सेम ऐसे हम 4 फंदे लेंगे, 4 फंदे रेड कलर से लेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया एंड 1 चेन। तो 4 बार धागे हम फिर से ऊपर से ले लेंगे, 3, 4, 4 फंदे नीचे से लेंगे। यहाँ पे हमारे देखिए 3 पफ स्टिच बन चुके हैं। फिर यहाँ पे 1 चेन बना के 4 बार धागा फिर से लेंगे, 4 धागे फिर से नीचे से ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल 5 पफ स्टिच हमारे बन जाएंगे। फिर से हम यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे और देखिए 1, 2, 3 2 ऊपर, और अब यहाँ पे फिर से 4 फंदे लेंगे और 4 फंदे हम यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पे बनाएंगे 2 की चेन। तो इस तरह फ्रेंड्स हमें 7 पफ स्टिच जो बना लेने हैं। तो इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ जितना बड़ा हमें थाल पोश बनाना है इसी तरह हम यहाँ पे बना लेंगे। हर एक 2 राउंड के बाद हम फंदे इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने 5 बनाए फिर 7। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो।